सतोगुण क्या है, एक सात्विक जीवन कैसा होता है। दोस्तों, मनुष्य का मन हमेशा चलायमान रहता है, इसलिए मनुष्य की आदत, आचरण और विचारों के आधार पर मनुष्य का मन प्रकृति के अधीन तीनों गुणों में से किसी एक गुण का पालन करता है। तमोगुण मन का सबसे निचला तल होता है, वही सतोगुणी जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पर कई लोग नहीं जानते कि सतोगुण क्या होता है, इसके लक्षण कौन से हैं, कैसे यह बाकी दोनों गुणों से भिन्न है। और प्रश्न है, क्या सतोगुणी, जो कि प्रकृति में मौजूद सबसे श्रेष्ठ गुण है, उससे आगे भी मनुष्य जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो को सुनकर मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। आइए समझते हैं सतोगुण क्या है, सात्विक जीवन कैसा होता है। मन की वह स्थिति जब उसे यह ज्ञात हो जाए कि प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, और जहां पहुंचकर उसका मन शांति और अविचलन को प्राप्त करता है, उसे ही सतोगुण या सत्वगुण में प्रवेश कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं एक सतोगुणी व्यक्ति बोधवान पुरुष होता है, जो तामसिक और रजोगुणी जीवन का त्याग कर प्रकृति में मौजूद सबसे सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच जाता है। तामसिक व्यक्ति के लिए जहां बेहोशी, आलस्य ही प्यारा होता है, वही एक राजसिक व्यक्ति की चेतना महत्वाकांक्षी होती है, जो उसे जीवन में शांति की तरफ बढ़ने का संदेश देता है। पर राजसिक से सात्विक जीवन की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को बेहद कम लोग पार कर पाते हैं, क्योंकि बेहद कम लोग वास्तव में राजसिक जीवन जीने वाले यह जानने का प्रयास कर पाते हैं कि जीवन में सुख सुविधाएं होने के बावजूद क्यों उनके जीवन में असीम दुख है, जबकि आनंद बहुत कम है। वे लोग जो इस मूल प्रश्न का उत्तर गहराई से खोजने का प्रयास करते हैं, वे अंत में जान लेते हैं कि प्रकृति के अधीन रहकर इन दुखों का जीवन में होना सामान्य है। अतः जब वे इस शरीर को एक प्रकृति देखते हैं और शरीर से अधिक चेतना को महत्व देते हैं, तो एक नए आयाम का जीवन जीने लगते हैं। याद रखें, सतोगुण जीवन की परम अवस्था नहीं, अपितु प्रकृति की श्रेष्ठतम अवस्था होती है। अतः सतोगुणी व्यक्ति भी प्रकृति के इस खेल यानी बंधनों में फंसा रहता है। उसे इस तल पर अनेक तरह के सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन उन सुखों के पार जाने में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है। सतोगुणी जीवन के प्रमुख लक्षण क्या है? सतोगुणी जीवन के कुछ लक्षण होते हैं जो आगे हमने बताए हैं। सतोगुणी व्यक्ति आत्मसंतुष्ट रहता है, उसके मन में जीवन के प्रति द्वेष और कामनाएं निम्न हो जाती हैं। सतोगुणी व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी घटना बाहरी तौर पर घटती रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मबोध के कारण वह शांत रहता है। सांसारिक दुनिया से कुछ पाने की दौड़ जो आम लोगों में होती है, वह दौड़ सतोगुणी व्यक्ति के जीवन से समाप्त हो जाती है। सतोगुणी व्यक्ति के लिए ईश्वर परमात्मा की भक्ति ही उसे अपार आनंद की अनुभूति करवाती है। भजन कीर्तन से दिल को मिलने वाला सुकून बेहद विशेष होता है। सतोगुणी व्यक्ति बोधवान होता है, लेकिन उसका अहम जानता है, ये बोध मुझे प्राप्त हुआ है। अतः सतोगुणी व्यक्ति में भी अहंकार होता है। सतोगुणी जीवन कैसे जिए? सतोगुणी जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वप्रथम आपको यह निर्धारित करना होगा कि इस समय आप किस तल का जीवन जी रहे हैं। अगर आप बिल्कुल निम्न कोटि का यानी तामसिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम अपनी चेतना को ऊपर उठाकर उसे राजसिक जीवन में लाना होगा। अब एक बार आप राजसिक जीवन जीने लगते हैं, तो जीवन में बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे पाने से आपको असीम आनंद और सुख मिल जाता है। पर आप पाते हैं, जो सुख आनंद की अनुभूति आपको हुई है, वो सिर्फ कुछ पलों के लिए है। यह ऐसे ही है जैसे महीने भर बोरियत से भरा कार्य करने के पश्चात व्यक्ति अंत में महीने की सैलरी से कुछ दिन घूमने या फिर रेस्टोरेंट में बढ़िया भोजन खाने की तरफ रवाना हो जाता है।
ऐसा करके थोड़ी देर पैसे से उसे सुख तो मिलता है, पर वो सुख कुछ समय या दिन ही टिक पाता है। फिर जब आदमी कई वर्ष इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगता है और पाता है, ऐसा करने पर सुख की अपेक्षा उसे दुख अधिक मिल रहा है, तो फिर वो अब आगे बढ़ने की सोचता है, और आगे बढ़ने के लिए उसे अपने पुराने सभी बंधन तोड़ने होंगे, अर्थात पुराने जीवन को त्यागना होगा। और जब वह ऐसा करके आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक ग्रंथों या एक अच्छे गुरु की सहायता से उसे जीवन की समस्याओं का मूल कारण और बंधनों की वजह पता चलती है, तो उस हकीकत को जानकर उसे जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश मिलता है वो अमूल्य होता है। फिर उसके लिए वो सभी चीजें लगभग व्यर्थ होती है जो कि किसी तामसिक या राजसिक व्यक्ति को बहुत भाती है, और वो उन्हें पाने की लालसा में दौड़ता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सतोगुणी होने पर व्यक्ति के जीवन में अंधकार मिट जाता है, उसकी दुनिया में भाग दौड़ करने की रेस समाप्त हो जाती है, और इस अवस्था में उसे असीम आनंद और शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति फिर यह समझ जाता है, इस दुनिया में जितना हम भोगते हैं वस्तुओं को लोगों को, उतना ही अंदर का दुख गहरा होता चला जाता है। अथ सतोगुणी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठतम हो जाता है, उसे ईश्वर की भक्ति में आनंद आने लगता है। बाहर बाहर उसके जीवन में कुछ भी घटता है उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर से उसका मन शांत और अविचलित रहता है। सतोगुण से बाहर का जीवन कैसा होता है? क्योंकि सतोगुण परम आनंद की अवस्था होती है, अतः इस गुण पर आने के बाद इससे पार जाने के विषय में बेहद कम लोगों की जिज्ञासा रहती है, क्योंकि इस उच्चतम तल पर आपको जीवन में बोध शांति मिली रहती है। अतः कई लोग इस अवस्था में आकर रुक जाते हैं, पर स्वयं कृष्ण भगवान हमें गीता में इन गुणों से बाहर जाने की बात कहते हैं। पर प्रकृति के इन तीनों गुणों यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के आगे जो व्यक्ति चला जाता है वो त्रिगुणातीत हो जाता है। शांति के पार जाना ही गुणातीत हो जाना होता है। गुणातीत व्यक्ति को किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुणातीत व्यक्ति फिर साक्षी मात्र हो जाता है। सतोगुण में तो जो अहंकार कहता है मुझे बोध है, ज्ञान है, गुणातीत होने पर व्यक्ति का अहम यानी अहंकार ही समाप्त हो जाता है। सतोगुण में व्यक्ति के अंदर ज्ञान अपार होता है, लेकिन गुणातीत होने पर व्यक्ति का अज्ञान तो समाप्त होता ही है, उसका ज्ञान भी गायब हो जाता है, अब वो फिर इन सब गुणों से ऊपर हो जाता है गुणातीत। ज्ञान नहीं होता तो फिर व्यक्ति के पास अतीत होता है, भविष्य को लकार योजनाएं होती है, उसके सभी कर्म वर्तमान में होते हैं। जिस पल जो कर्म उचित है वही गुणातीत व्यक्ति करता है, अतः वह सुख और दुख के पार हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो इस संसार को त्याग देता है, वो आपको कभी सोया दिखाई देगा तो कभी किसी कर्म को करने में लिप्त दिखाई देगा, कभी खेलता दिखाई देगा तो कभी शांत, बिल्कुल अतः बड़ा मुश्किल हो पाता है गुणातीत व्यक्ति को पहचानना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।